बाकी बच्चों का तो हो जाएगा है। नायर भाई का चेहरा देख के थोड़ा पिघल जाता हूँ मैं है। चलो देखो अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले क्या थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी अलग अलग दी गई। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि अर्थ की मैग्नेटिज्म कोई नॉर्थ साउथ में बड़े बड़े पहाड़ होंगे उनके कारण होगी, वो बड़े बड़े पहाड़ के कारण कुछ अर्थ की मैग्नेटिज्म बन रही। कुछ लोगों ने क्या बत्तीबाजी दी, कुछ लोगों ने क्या बत्तीबाजी दी, बहुत सारी प्रपोज थ्योरी स्कूल बुक में लिखी हुई है। बट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसपे पूरे आगे के कॉन्सेप्ट बना है वो ये कॉन्सेप्ट है, जब कुछ समझ नहीं आता तो उन्होंने, मुझे लगता है नहीं ऐसा नहीं वैसा, जब कुछ समझ में नहीं आता तो उन्होंने एक थ्योरी को एक्सेप्ट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रैक्टिकल करे और सारे प्रैक्टिकल सही साबित हुए। सारे प्रैक्टिकल सही साबित हुए तो उनको लगा कि यार ये जो हम प्रपोज थ्योरी दे रहे हैं ये सही है। तो पहली प्रपोज थ्योरी ये कि उन्होंने बोला कि अर्थ की अपनी खुद की भी एक मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिज्म ये कैसे साबित हुआ, तो इसका ओरिजिन 10th क्लास से हुआ। जैसे एक, अगर आप लोगों को याद है, बोलते हैं ना एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। बेयर ग्रिल्स करता था, जंगल में घूम गए आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो वो क्या बोलते थे, एक मैग्नेट लेके चले जाओ, एक मैग्नेट बार मैग्नेट लेके चले जाओ, वो बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ तो पता ही होंगे अपने को। अब आप भूल गए जंगल में जाके कि यार कौन सी डायरेक्शन कौन सी है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड, धागे से बांध के सस्पेंड करके छोड़ दो और कैसा भी घुमा दो उसको, वो ऑटोमेटिकली ऐसे घूमते 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 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन से हैं और साउथ पोल कौन से हैं। तो ये फिर ऐसा क्यों हुआ, तो मैग्नेट तो कहीं भी रुक सकती थी बट ऐसा क्यों हुआ, तो वो कॉन्सेप्ट आया कि यार अर्थ की खुद की भी अपनी एक मैग्नेटिज्म है जिसके कारण वो जो बार मैग्नेट है वो खुद से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके चले गए। तो वो प्रपोज थ्योरी ये है कि उन्होंने बोला कि अर्थ के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट गड़ी हुई, ऐसा बोला। ये कोई बात मुझे लगता है सत्य नहीं होगी बिल्कुल कि आप खोदने लग जाओ अर्थ को और आपको कोई बहुत बड़ी सी मैग्नेट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ अर्थ के अंदर ऐसा होगा जिसके कारण अर्थ की खुद की मैग्नेटिज्म भी, तो थ्योरी ऐसी प्रपोज है कि अर्थ के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट गड़ी और उस मैग्नेट के कारण ही अर्थ की मैग्नेटिज्म है। पहली बात कि थ्योरी क्या है, अर्थ के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट है। और दूसरी बात यह कि वो मैग्नेट उल्टी गड़ी है। अब उल्टी कैसे गड़ी, जैसे हमें पता होता है ये वाला पोल कौन सा है, नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। यहाँ देखना दो दो नॉर्थ आएंगे, दो दो साउथ आएंगे, दोनों में क्या फर्क है, 10th क्लास में हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता है इसका। तो ये वाला जो पोल इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफी मतलब जो जियोग्राफी के हिसाब से हम लोग बताते हैं नॉर्थ साउथ पोल है। तो उन्होंने बोला कि अर्थ के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट गड़ी, उस मैग्नेट के कारण ही अर्थ की मैग्नेटिज्म है और वो मैग्नेट उल्टी गड़ी। उल्टी कैसी गड़ी, ये पूरा रहा है, उल्टी कैसी गड़ी है कि जिधर ये अर्थ का नॉर्थ पोल है उधर उस मैग्नेट का क्या है साउथ पोल, तो मतलब वो मैग्नेट ऐसी गड़ी है। तो वो ऐसी गड़ी कि जहां ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब अर्थ का नॉर्थ, तो जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां उस मैग्नेट का क्या है साउथ, जहां अर्थ का साउथ पोल है वहां मैग्नेट का नॉर्थ, उसको ऐसा बोला MN मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और ये क्या है ज्योग्राफिक साउथ। तो ये ध्यान रखना कि पहला केस अर्थ की मैग्नेटिज्म, यही फंडामेंटल कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट गड़ी उसके कारण है और वो मैग्नेट कैसी गड़ी है उल्टी गड़ी। बट ये भी आइडियल केस है, जब और आगे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि ये आइडियल केस है। जो प्रैक्टिकल केस है वो ऐसा है कि मैग्नेट उल्टी तो गड़ी है बट थोड़ी आड़ी है एंगल पे, तो वो जो एक्चुअल केस है वो ऐसा है कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर है, अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ इधर है, एक्चुअल में जो वो मैग्नेट कैसी गड़ी है उल्टी गड़ी है, बट नहीं आइडियली कैसी गड़ी उल्टी गड़ी बट प्रैक्टिकली उल्टी में भी थोड़ी इंक्लाइन, तो थोड़ी इंक्लाइन ऐसी कि हाँ नॉर्थ की तरफ है तो साउथ ही, बट इस तरह से गड़ी है कि जहां अर्थ का नॉर्थ है वहां मैग्नेट का तो साउथ ही है, जहां अर्थ का साउथ है वहां मैग्नेट का तो नॉर्थ ही है, बट बिल्कुल अपोजिट थी। तो ये वाला केस होता है आइडियल केस जो हम न्यूमेरिकल के लिए कंसिडर करते हैं, बट ये वाला केस होता है प्रैक्टिकल केस। ध्यान रखना, तो दो बात ध्यान रखनी, तो यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आए कि अर्थ की मैग्नेटिज्म, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट गड़ी है उसके कारण है, वो मैग्नेट उल्टी गड़ी है और उल्टी के साथ साथ थोड़े एंगल, ये तीन फंडामेंटल
एक्सेप्टेड थ्योरी है और इसी के बेसिस पे सारी बातें हम लोग करेंगे। तो उसको पढ़ने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज भी, तो वो टर्मिनोलॉजीज भी हमको समझनी पड़ेगी। तो पहली तीन टर्मिनोलॉजीज जो है वो कौन कौन सी, तो पहली तीन टर्मिनोलॉजी है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये भी सुना होगा शायद अर्थवर्थ से कुछ संबंधित अगर पढ़ते होंगे तो। फिर एक है मैग्नेटिक मेरिडियन और तीसरा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये तीन चीज हमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो पहले दो टर्म, हाँ पहले दो टर्म को देखो, मेरिडियन का मतलब क्या होता है? लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन। नहीं, मेरिडियन का मतलब इमेजिनरी प्लेन होता है, लाइन नहीं है। मेरिडियन मतलब कोई भी प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है, उस इमेजिनरी प्लेन को हम लोग मतलब मेरिडियन बोलते हैं। अब जैसा कि नाम है, जैसा कि नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो मेरिडियन मतलब प्लेन, ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वो इमेजिनरी प्लेन जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से जाएगा। ज्योग्राफिक वाले कौन से, जो हम जानते हैं, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। तो एक इमेजिनरी प्लेन सोचो ऐसा, देखो ये प्लेन किससे गुजर रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ से और ज्योग्राफिक साउथ से। तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। सो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, रटना नहीं है। ऐसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, जो मैग्नेट गड़ी है उसके नॉर्थ और साउथ से गुजरे। तो यहाँ पर देखो दो प्लेन आ रहे हैं ऐसे, प्रैक्टिकल के जब आइडियल केस लिया तो ये दोनों प्लेन एक ही होंगे, जब आइडियल केस लेंगे दोनों प्लेन एक ही होंगे, बट जब प्रैक्टिकल केस लेंगे तो ज्योग्राफिक मेरिडियन ये है और मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा, ये वाला है। तो देखो इस मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में भी क्या है, कुछ एंगल है, तो उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये तीन बात हो गई, और इसको रटना नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल चीज है, याद करने की चीज है, नहीं ऐसा नहीं इस चैप्टर में याद करने की चीज है, आधा तो समझने का भी है। तो ये लाल वाला जो है ये क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इसको लिखना भी नहीं अपने को, तो सिर्फ याद रहेगा ये। ये वाला जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और एमएम और जीएम के बीच में जो एंगल है इसको कहते हैं डेल्टा। तो ये चार एंगल पढ़ना होता है, ये तीन है इसमें से, तीन चीज है। फिर एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप जो सबसे मेन चीज है उसमें, ठीक है। उसके पहले ये देखो, ये तो प्रैक्टिकल केस हो गया कि सही में जो मैग्नेट गड़ी वो उल्टी और आड़ी गड़ी है, और वो आइडियल केस हो गया कि बिल्कुल उल्टी गड़ी। तो जो क्वेश्चन में हम लोग डील करते हैं शुरुआत में, तो 90% क्वेश्चन में हम लोग आइडियल केस लेते हैं, क्योंकि अगर ये वाला केस ले लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग आइडियल केस लेते हैं। फिर सवाल ये बनता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी, कैसी होती है? तो उसके लिए पहले हमको बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो थ्योरी एक्सेप्ट करी वो यही थ्योरी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर गड़ी हुई बार मैग्नेट के कारण। तो जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे बनेगी। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी 10th क्लास में हम पढ़ते थे, स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कराते थे, अगर आपको याद हो, अलग अलग जगह मैग्नेटिक कंपास रखे करके फिर कुछ पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को ये बहुत अच्छे से यूज करें इस चैप्टर में, पूरे बार मैग्नेट पे डील करना है। तो वो पैटर्न कैसा, देखो तो ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, हाँ बोला, तो कैसे निकलती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है अंदर, है ना। इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन, अभी नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा सेम पॉइंट तो और बताऊंगा एक बार, बट अभी यहाँ जितना काम का होता। तो एक इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल से पास हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। एक दूसरी इमेजिनरी लाइन जो मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो, कोई भी बार मैग्नेट है तो दो लाइन होगी ये वाली, तो एक लाइन बार मैग्नेट से पास होगी और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर पास होगी। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, नाम याद रखना। तो एक्सियल लाइन कौन सी,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? देखो एक्सियल लाइन पे नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में घुसेगी इधर से, फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी बात की, तो नॉर्थ से निकल के देखो ऐसी, ये साउथ में घुसेगी, देखना एरो देखना, ये इक्वेटोरियल लाइन पे कैसी होगी? ऐसी होगी और यहाँ से ऐसी होगी, क्या बोलते हैं? और निकलेगी से बहुत सारी हजारों बनती है और ये निकलेगी देखो ऐसी, इक्वेटोरियल लाइन पे किधर होगी? इधर होगी और फिर घुस जाएगी, ये देखो इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसी होगी, यहाँ से ऐसी निकलेगी। यही पैटर्न होता है बचपन में, ये टेंथ क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ते थे, याद करो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखनी है तो टेंजेंट की डायरेक्शन लिख दो, और क्लोज लूप बनाती है हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है, वो सब जो पढ़ते थे वैलिड है। ऐसे नीचे भी बनेगी, नीचे कैसे बनेगी भाई? नॉर्थ पोल से निकलेगी, इक्वेटोरियल लाइन पे इधर जाएगी और साउथ में घुस जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ में घुस जाएगी, देखो साउथ में घुस रही, नॉर्थ से निकल रही और इक्वेटोरियल लाइन पे किधर? इधर है, इधर। और इसको देखो, इस बार मैग्नेट के पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे, इसको देख लो, तो एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग जो यूज करेंगे कैसे, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो ये बहुत जरूरी है, पूरा चैप्टर इस पर मुझे लगता है बेस्ड है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखो कैसा है, मुझे लगता है ये लाइट बंद कर देना चाहिए, आगे वाली पीछे वाली चालू करना चाहिए, बंद है लाइट पीछे वाली, बंद इसको बंद करो, वो बीम पर दूसरे बटन होते हैं। हाँ नहीं वो दिख नहीं रहा थी सर, वो वाला बंद करो, अभी बटन चालू नहीं, आप देखिएगा वो से नहीं लाइट आ रही है, वो तो आएगी सही, सुनो थोड़ी बहुत लाइट तो कहीं पे भी चालू कर दो, रिकॉर्डिंग नहीं थोड़ी बहुत तो आएगी सही, अब सही है, ये वाले बंद करनी पड़ेगी, इससे बहुत रिफ्लेक्शन आता है, अब सही है, मुझे लगता है ठीक है। हाँ अब पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग आ रही सही, रिकॉर्डिंग नहीं सही है ना, थोड़ा दिख तो रहा होगा ना, मैं दिख रहा हूँ, हाँ बस चलो ये यहाँ तक पे दिखना चाहिए, देख रहे आप ना, मैं दिख रहा हूँ कैसा है। जैसे कि मैंने कहा कि न्यूमेरिकल पर्पस से हम आइडियल लेते हैं कि एक तो मैग्नेट घड़ी और उल्टी घड़ी, जस्ट उल्टी घड़ी, तो वो पैटर्न देखो कैसा है, देखना ये अर्थ, ये हमारे अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेट को गाड़ना है उल्टा, उल्टा इस तरह से कि जहां अर्थ का नॉर्थ है वो मैग्नेट का साउथ है और यहां मैग्नेट का, तो ये आइडियल केस के पैटर्न को हम लोग पढ़ते हैं। अब वो पैटर्न कैसा बनेगा, जैसे कि हमने बोला कि हमें तो पता है भाई बार मैग्नेट का पैटर्न नॉर्मल है, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में घुसेगी, तो यहाँ इस मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन कौन सी होगी? ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी? एक्सियल होगी, पर बोलते हुए देखो यही, और अर्थ का इक्वेटर कौन सा होता है? इक्वेटर, ये होता है ना, ये जो होता है अर्थ का इक्वेटर, तो इक्वेटर नाम ही क्यों दिया गया है? क्योंकि वो इक्वेटोरियल लाइन पे, वो जो मैग्नेट घड़ी है उस मैग्नेट के किस पे? इक्वेटोरियल लाइन, तो ये अर्थ का इक्वेटर हो गया और ये क्या हो गया? पोल्स हो गए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होना चाहिए, जैसा वहां पड़ा था नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में घुसेगी, तो सेम लाइक बार मैग्नेट, तो उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे, देखो कैसा। जैसे सुनो, कंफ्यूजन के लिए अगर आपको होता है तो इसको मिटा देना, क्योंकि जब दो दो नॉर्थ और दो दो साउथ बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने बताया कि जिधर अर्थ का नॉर्थ होता है वहां मैग्नेट का साउथ, अब आप सिर्फ ये मैग्नेट को ही देखो, ध्यान सुनना, अभी आप सिर्फ इस मैग्नेट को ही देखो, ये ऊपर वाले नॉर्थ और साउथ को भूल जाना, क्योंकि फिर दो दो बार नॉर्थ बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में आएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इस मैग्नेट को देखेंगे और ऊपर वाले नॉर्थ साउथ को नहीं देखेंगे, तो इस मैग्नेट के कारण ही अर्थ की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कैसे बनेगी? देखो, तो नॉर्थ पोल से निकलेगी, देखो ये निकली, साउथ पोल में क्या होगी? घुसेगी, फिर क्या होगा? इसको मत देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा,
आप बोलोगे यहाँ तो नॉर्थ था, आप तो मैग्नेट को देखो, तो साउथ मैग्नेट के साउथ में घुसेगी, मैग्नेट के नॉर्थ से क्या होगी बाहर, और कैसा बनता है नॉर्थ से निकल किस में जाती है साउथ में जाती है, तो बीच में से मत करना क्योंकि अर्थ के बीच घुसेगी थोड़ी ना, सरफेस पे चला रहे, देखो ऐसी बनेगी क्या, देखो ये नॉर्थ से निकली, ये लाइन कौन सी है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन से होते हुए किस में घुस जाएगी साउथ में घुस जाएगी, देखो क्या ऐसा पैटर्न बनेगा क्या, देखो और अब आप बोलोगे सर उधर से घुस जाएगी, ठीक है थोड़ा ऊपर से घुसा देना भाई, फिर अब ये देखो नॉर्थ पोल से निकलेगी यहाँ से अर्थ की सरफेस पे जाएगी, सरफेस सरफेस प्लेन ना बस अपने को बाहर भी रहेगी, यहाँ से करते करते देखो ये घुस जाएगी, देखो साउथ में घुस गई नॉर्थ पोल से नहीं, देखो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा बनता है जैसा कि बाहर मैग्नेट का बना था, देख लो आप लोग ये, तो नॉर्थ पोल से एरो बाहर निकला, नॉर्थ पोल से निकली सरफेस सरफेस से गुजरी और कहाँ घुस गई साउथ में, नॉर्थ पोल से निकली सरफेस से गुजरी साउथ में, आपके मन में सवाल आएगा बीच में रहेगी क्या, तो हर जगह रहेगी बट हम लोग कहाँ ले रहे हैं सिर्फ सरफेस पे क्योंकि हम रहते ही सरफेस पे, ठीक है ना। चलो अब वो पैटर्न कैसे देखेंगे, देखो तो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी जो 12 मिनट में बताया था मैंने, कि किसी भी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट कहलाऊंगी, वो मेन बात है, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी वहां टेंजेंट बना दो, जैसे देखो बच्चों जैसे देखो ये यहाँ से निकली ऐसी, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी तो कैसे बनेगी, नॉर्थ से निकल के यहाँ पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, यहाँ लिखनी होगी तो यहाँ टेंजेंट बना देंगे ऐसी, ऐसे इधर देखो नॉर्थ पोल से निकली अगर यहाँ लिखनी होगी तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ लिखनी होगी तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ लिखनी होगी तो ऐसे टेंजेंट, यहाँ लिखनी होगी तो ऐसे टेंजेंट, कुछ इस तरह से। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है कि बाहर मैग्नेट की किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, तो देखो उसको यहाँ यूज कैसे करेंगे इसको देखना। तो हमने बोला अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उस मैग्नेट के कारण है, वो मैग्नेट उल्टी कड़ी हो लाइन बनाना सीखने से, वो मैग्नेट उल्टी कड़ी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट जैसे है। तो देखो धरती पे अलग अलग जगह है, ये पूरी धरती की बात कर ली मैंने, अब ये पूरी धरती में अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारे देश हैं, चाइना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और वो सब देश अलग अलग जगह है, तो आप देखो अलग अलग जगह वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग आएगी और वैल्यू भी अलग आएगी, क्यों, ये बहुत गहरी बात है, अभी ये बुक में नहीं लिखा होता, जो मुझे लगता है प्राइमरी कारण वो ये है कि ये सब बातें बुक में नहीं लिखी, उन्होंने प्लेस प्लेस से कोरिलेट नहीं किया, इसलिए हमें उनको ये पता नहीं चलता कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर अलग है या नहीं है, क्यों है अलग, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो धरती पे देखो बहुत सारे अलग अलग देश है, कुछ कंट्रीज का है पोल्स पे एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका, कुछ कंट्रीज देखो यहाँ भी तो होगी, मुझे नहीं पता कौन सी है बट यहाँ पे कोई कंट्री होगी, तो मान लो इंग्लैंड यहाँ पे, कुछ कंट्रीज आपकी यहाँ पे होगी, कुछ कंट्री यहाँ पे होगी, अमेरिका यहाँ पकड़ लिया, कुछ कंट्री किस पे होती है इक्वेटर पे, इंडिया शायद जो भी है, कुछ कंट्रीज यहाँ पे भी होगी, कुछ कंट्रीज यहाँ पे भी होगी, तो ऐसे देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग कंट्रीज है अर्थ पे, तो हमने तो पढ़ा कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी तो वो किसके अलाउ रहेगी, टेंजेंट के अलाउ, तो देखो यहाँ से देखना, देखो नॉर्थ पोल से निकली टेंजेंट, देखो ये नॉर्थ पोल से निकली, निकल के यहाँ जो कंट्री होगी उस पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, देखो ऐसा ये टेंजेंट ये ऐसे आएगी इस तरह से, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो किस जगह पे, चाइना में, ये बी चाइना, अब यही देश निकल के देखो देश आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 यहाँ कोई दूसरा देश आ गया, वहां पे टेंजेंट बना दे, यही आगे बढ़ते बढ़ते कोई देश इक्वेटर पे आ गया, कौन सा बोल रहे हो आप, अफ्रीका, अफ्रीका है बोल रहे हो, मेरे को नहीं पता, चलो अफ्रीका बोल मान लेते हैं, गर्मी ज्यादा रहती है, सही है, हाँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, टेंजेंट ऐसी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी किधर, अफ्रीका में पकड़ लो, चलो फिर यही आगे आते आते कुछ देश यहाँ भी रहेंगे, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो रहेगी वो कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रशिया में, आगे देखो तो हर एक देश बदलने पे, प्लेस बदलने पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, आप देख लो यहाँ पर अलग है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्लेस डिपेंडेंट,
इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. इंडिया में भी हर जगह अलग होगी, ऐसा नहीं है कि नागपुर में अलग है तो साउथ में अलग होगी, बट वो वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा. इसलिए हम लोग अभी कंट्री कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया में अलग है, चाइना में अलग है, पाकिस्तान में अलग होगी कहीं पे. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्लेस डिपेंडेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, इस बार मैग्नेट के कारण है. तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है. ये फंडामेंटल पॉइंट है, पहले इसको पकड़ो. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी जगह पे उसके कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं, इसके कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं. तो वो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, देखना. तो मैं पकड़ रहा हूँ चाइना में, मैंने जो मार्क किया वो, ज्यादा कुछ मत जाना, मैंने जो मार्क किया वो चाइना इधर है. हमारे अकॉर्डिंग जो चाइना पे मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके कारण, इस बार मैग्नेट के कारण, वो किधर रहेगी, इधर रहेगी. कौन सा कलर आ रहा है, थोड़ा इसको और आगे खींचता हूँ, देखो. ये चाइना है, तो चाइना में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, ऐसी निकल के ऐसी. तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसी होगी, देखो. अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट लो, तो वो दो कंपोनेंट देखना कौन कौन से आएंगे. कौन सा कलर चाहिए, ये लेते हैं. वो देखो दो मैं कंपोनेंट किधर किधर आएंगे, वो दो कंपोनेंट देखो इधर आएंगे. एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो आप लोग. क्यों भाई, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, चाइना में है, जो किसके अलाउ रहेगी, टेंजेंट के अलाउ रहेगी. तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ना और एक कंपोनेंट इधर आएगा. इस एंगल को मान लो कितना है, थीटा है. हाँ, इस एंगल को थीटा मान लो. तो अगर इस एंगल को थीटा मानोगे तो कॉस वाला कॉस आएगा, थीटा के साथ वाला. तो ये चाइना में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, अर्थ की, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. तो ये कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा. अब इसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, अब देखो मैग्नेट के रिस्पेक्ट, मैग्नेट के रिस्पेक्ट समझ रहे हो, मैग्नेट तो ऐसी घड़ी ना. तो मैग्नेट अगर ऐसी घड़ी है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा कि ये वाला कॉस रहेगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, समझ रहे. तो अभी तक हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल देखते थे क्योंकि अर्थ को कैसा मानते हैं, हॉरिजॉन्टल मानते हैं. बट अब जब इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बी एच वाला, ये जो बी कॉस थीटा वाला, ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल. तो इसको लिखेंगे बी एच, बी एच. और देखो अगर मैग्नेट ऐसी घड़ी है, तो अगर मैग्नेट ऐसी घड़ी है तो ये वाला कंपोनेंट कैसा रहेगा, देखो मैग्नेट तो ऐसी घड़ी हुई है और ये कंपोनेंट कैसा रहेगा, वर्टिकल. तो इसको बोलेंगे बी वी, तो सुनना बी बी एच बी वी और बी टोटल. ये तीन बात है, ये तीन बात कौन सी है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी, अर्थ की, कहां पर, चाइना. और उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है बी एच. बी एच को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, सुनाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट चाइना. अभी उतना खोलने की जरूरत नहीं है, बट अभी समझने के लिए इतना बोल सकते हैं कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी जगह पर बी एच होता है, और ऐसे ही बी वी, तो चाइना में टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट. तो सिंपल बोल रहे बी वी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट चाइना. और जो बी रिजल्टेंट है, दिस इज द टोटल टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट चाइना. इस पे विचार करो, तो देखो हर जगह वो कंपोनेंट अलग अलग आएंगे. ऐसे यहाँ पर कैसे बनेगा, रशिया में, देखो रशिया में टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा और एक इधर बनेगा, इधर ये वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी एच, और ये वाला कौन सा हो जाएगा बी.
तो ये हो जाएगा बी एच कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा टू और ये कितना हो जाएगा इस पे विचार करो अभी इसको मिटा देता पहले अच्छा नहीं तो फिर ज्यादा मिक्स ना हो जाए अभी इसको मैंने मिटा दिया ऐसे बना लिया तो पहले इसको लो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से निकली चाइना में टेंजेंशियली टोटल इधर है इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर ये वाला हॉरिजॉन्टल है हमेशा जो एंगल लेना है वो टोटल का किसके साथ लेना हॉरिजॉन्टल यही मैग्नेटिक फील्ड जब रशिया में गई तो इधर आ गई तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक इधर तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है थीटा टू ये मेन बात है इसको पकड़ लो अब ये बात बुक में कहीं भी नहीं लिखी आप पूरा बुक ढूंढो कि वहां पर उन्होंने ये नहीं बताया वहां कुछ अलग एक्सपेरिमेंट डिप सर्कल और ये सब बताते हैं मेरे को ही समझ में नहीं आज तक वो डिप सर्कल और क्या था वो बट ये बहुत अच्छी चीज है बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने उसको बिल्कुल सिंपल करके बता दिया जैसे बार मैग्नेट यहीं से एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन आती है तो एंगल ऑफ डिप को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं सुनो किसी भी जगह पर एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ चाहे कोई सी भी देश हो कोई सी भी कंट्री हो एट एनी प्लेस द एंगल ऑफ सुनो अपने लैंग्वेज बोलो ये थीटा को क्या बोलोगे किसका एंगल है किसी भी जगह पर अर्थ की टोटल एट एनी प्लेस द एंगल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप बस यही इस चैप्टर का आधा पार्ट था सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको भी वाई क्यू मिलेंगे अब आप बुक में अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो कुछ अजीब ही कुछ दिया हुआ है डिप सर्कल के वर्टिकल प्लेन में जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में ये वो बहुत सारी कहानी है तो वो कभी समझ नहीं आना है तो सबको काटते हैं क्रॉस मारते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है जो आपको बहुत अच्छे से बनाना है बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं तो इसको मेन देख लो कि एंगल ऑफ डिप हमको पढ़ना है तो एंगल ऑफ डिप अर्थ पर कोई भी जगह पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही और वो एंगल ऑफ डिप देखो हर जगह पे अलग अलग होगा आपको दिख भी रहा होगा चाइना में एंगल अलग है देखो ज्यादा दिख रहा है वही चाइना से यहाँ पहुंच जाएंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा वही यहाँ हो जाएगा रशिया में चले गए तो एंगल देखो चेंज हो गया तो एंगल ऑफ डिप किस पे डिपेंडेंट है प्लेस डिपेंडेंट है तो मैं करूं थीटा क्या है एंगल ऑफ डिप है सो इट इज अ प्लेस डिपेंडेंट दुनिया में हर जगह पे एंगल ऑफ डिप अलग अलग होगा इसको देखो तो कंपोनेंट तोड़ेंगे कैसे ये देख लिया सभी ने अब इसी डायग्राम को एक बार और यूज करते हैं फॉर्मूले लिखने में कैसे यूज करेंगे अब रफ दे लेते हैं ये नॉर्थ साउथ था तो जहां नॉर्थ होगा वहां मैग्नेट का साउथ होगा कुछ भी याद करने का नहीं है यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ होगा ठीक है ये इक्वेटर है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी साउथ इक्वेटर पे इधर जाएगी और इक्वेटर से होती हुई साउथ पोल पे कुछ जाए चलेगा ये नॉर्थ पोल से निकले अब मुझे बी एच डी वी के फॉर्मूले लिखना है तो मैंने वही कोई जगह पकड़ ली चाइना में मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी इधर थी चाइना में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी टोटल इधर थी वर्टिकल के साथ इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बी एच था वर्टिकल से डीवी था आपको एंगल किससे लेना है हॉरिजॉन्टल से यही एंगल ऑफ डिप हो गया कहां पे चाइना में समझ गए अब बी एच का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बी एच बी जो लिखा था पीछे बी एच क्या बनेगा बी कॉस थीटा ये बी कौन सा है बी टोटल तो चाइना में जो बी एच होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा बी कॉस थीटा ये थीटा कौन सा एंगल है एंगल ऑफ डिप इन चाइना ये जो थीटा है ये अर्थ एंगल ऑफ डिप है चाइना का ये बी क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी एच तो बी एच हो गया बी कॉस थीटा ऐसे बी 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 चाइना में जो है इंडो कितना तो किसी भी जगह पे बी एच और बीवी निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं कि अगर कोई बोल दे कि अर्थ पे ये सॉरी इंडिया में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है
तो आप बोल दो कि बी एच बराबर कितना होता है बी कॉस थीटा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंडिया में टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और इंडिया के लिए क्या चाहिए, एंगल ऑफ फील्ड चाहिए। ऐसे ही नागपुर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो वो कितना होगा बी साइन थीटा। तो बी टोटल चाहिए और क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। चलेगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूं अगर मैं, इक्वेशन टू को वन से अगर डिवाइड कर दूंगा तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। बी चाइना से बी चाइना क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसी भी देश में एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी देश में एंगल ऑफ डिप निकालना है ना, तो उस जगह पर अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट कितना है और उस जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। नागपुर में निकालना है तो नागपुर में एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो आपको बीवी पता होना चाहिए और बीएच पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आ गए। इसमें कोई चेंज पॉसिबल है क्या, हो ही नहीं सकता। तो बीवी एंड बीएच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस नियरली। अब बहुत जरा सी वैल्यू में वेरिएशन आ सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, इसको देखो, ये मेन बात है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत यूनिक भी है भाई, ये भी जान लो कि मैंने बहुत सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक के नाम लिए थे, उसमें से एक ये टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। किसी को नहीं आता, आपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना एंगल ऑफ डिप को डिफाइन कर दे अगर वो, तो मान लेना वो पढ़ रहा है। किसी को भी कॉल कर देना आंख बंद करके, नो एंगल ऑफ डिप को डिफाइन कर दे, क्या होता है। 10 में से 100 में से आपको 2-4 लोग मिलेंगे हार्डली, और उनकी डेफिनेशन भी वही रहेगी, सुनना आप उनसे, वही बोलेगा और डिप सर्कल के वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल से एंगल ये वो। आप पूछ रहे हो, तुम्हारे दोस्त पढ़ते ना, ये ऑनलाइन बोला एंगल ऑफ डिप क्या होता है और ट्रू डिप और अपियरेंट डिप क्या होता है, ये दो बात पूछ रहे हैं। अगर बता दिया तो समझ गया, तैयारी कर रहा हूँ अंडरस्टैंड लेवल पे, और नहीं बता पाएगा वैसे। दूसरा पोटेंशियोमीटर मैंने बोला ही था। पोटेंशियोमीटर किसे बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर फॉर्मूला मत पूछना, फॉर्मूला रख लेते हैं बच्चे। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछ लेना, वो भी तीसरा फिर एक और टॉपिक वैसे एरर पूछना मेडिकल वालों से, मैथ्स वाले बता देंगे। एरर ना आपने जो पढ़ाया था मेडिकल वालों से एरर पूछना, एरर बहुत कम लोग आता है मेडिकल वाले सर। इजी तो था ना, वो देखो लिखा इसको है, एरर तो इजी है, पढ़ते नहीं आगे अगर डिफरेंट होते तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी एच और बीवी तो परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी टोटल के बराबर। तो किसी भी जगह पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अब चाइना में टोटल जो है वो अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। कि अगर आपको नागपुर में पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, नागपुर में पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो बीवी को बीएच से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिप नागपुर में। और अगर नागपुर में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कितनी है, तो अंडर रूट बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले देख लो जो न्यूमेरिकल में यूज आते हैं, इनको देख लो, चलेगा यहां से देखना। तो बीवी बीएच एंगल ऑफ डिप और कौन सा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल सुनो, ये चाइना तो हमारे ना इक्वेटर पे ना पोल्स पे। अब सवाल ये कि अगर इक्वेटर और पोल्स को स्पेसिफिक ले ले, तो इक्वेटर और पोल्स को स्पेसिफिक लेने पे क्या कहानी बनेगी देखना। तो वो देश जो इक्वेटर पे और वो देश जो पोल पे, तो मैंने क्या बोला फॉर्मूला ये यूज करो, बीवी अपॉन बीएच, कहीं भी एंगल ऑफ डिप निकालना बीवी अपॉन बीएच। अब वो देश देखो जो कहां पे है, इक्वेटर पे। अब मैग्नेट कैसे करेंगे, जो देश हमारे इक्वेटर पे उनको पकड़ते हैं, तो जो देश इक्वेटर पे उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखो नॉर्थ से निकलेगी
साउथ में जाएगी, अब इक्वेटर पे टेंजेंट रे बनेगी, यहां से निकल के ये घुस जाएगी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल था। तो चाइना में मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, वो भी तो आपने टेंजेंट बनाई थी, रशिया में कैसी थी, वो भी तो टेंजेंट बनाई थी। तो वो देश जो इक्वेटर पे होंगे उन पर टेंजेंट ऐसी तो बनेगी, देखो ये निकली यहाँ से, ये निकल के ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ बना दोगे क्या टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या बताएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इक्वेटर पे, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, रटना नहीं कुछ भी, अभी तक एक भी लाइन याद करने के लिए देख लो। तो यहाँ चाइना में इधर थी, तो जो इक्वेटर के देश होंगे वहां पे किधर होगी, इधर होगी आपके, क्या बोलते हैं चलेगा क्या, देखो तो इसने बोला अफ्रीका, तो अफ्रीका में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी अलोंग द टेंजेंट, तो इसका एंगल ऑफ डिप कितना होगा, एंगल ऑफ डिप क्या था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो चाइना में चूंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर थी तो उसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल था, रशिया में टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर थी तो उसका भी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल था, क्या बोलते हैं, बट जो देश इक्वेटर पे होंगे उनमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसी नहीं होगी क्या, ऐसी होगी, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल करंट चेंज करते हैं, तो इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप है वो जीरो होता है, इसमें भी कोई याद करने की बात नहीं, देखो ये एक मिनट, तो ये अफ्रीका में टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, सुनना, तो चूंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, जीरो, बोलो विचार कर लो, इसमें कोई याद करने की बात नहीं है, मतलब वो सारे देश जो कहां पर हैं, इक्वेटर पे, उन पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल ही आएगी, समझ रहे, चूंकि हॉरिजॉन्टल ही आएगी तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप ही हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ से पॉइंट आ गया कि एट इक्वेटर, एक समझ लो दूसरे को उल्टा कर दो, तो एट इक्वेटर हमेशा एंगल ऑफ डिप जीरो, तो थीटा को जीरो रख दो, तो जब एंगल ऑफ डिप जीरो रख देंगे तो बी एच का फॉर्मूला क्या था, बी कॉस थीटा, तो कॉस को जीरो कर देंगे, बोलो कॉस को जीरो कर देंगे, तो इक्वेटर पे जो बी एच है वही किसके बराबर होगा, बी टोटल के बराबर हो जाएगा, और इक्वेटर पे बी भी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिप, तो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो इक्वेटर पे बी भी जीरो, ये पकड़ लो, ये पॉइंट है, इक्वेटर पे हमेशा जो बी एच होता है सिर्फ वही होता है, वो सारे देश जो कहां पे इक्वेटर पे हैं, वो सारे देश जो इक्वेटर पे, अफ्रीका ये बोल रहे हैं, तो वो सारे देश जो इक्वेटर पे वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट है, कौन सा, बी एच, वो बी एच ही किसके बराबर है, और वो सारे देश जो इक्वेटर पे उनपे सिर्फ पूरी धरती पर वही देश होंगे जो इक्वेटर पे, जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, बाकी सारे देश, बाकी सारे कौन से, यहाँ 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 यहाँ, ये प्रैक्टिकल बात है, सारे देश जो होंगे वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट होंगे, जैसे यहाँ पे भी कौन सा होगा, वर्टिकल भी होगा, बीवी भी होगा और बी एच भी होगा, यहाँ पर भी इक्वेटर पे ना, तो इक्वेटर पे जो देश है वहां बीवी नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, कौन सा, ठीक है, बस इसका जस्ट उल्टा कर दो, पोल्स पे तो विश्लेष मत करो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, इक्वेटर पे अगर एंगल ऑफ डिप जीरो है तो पोल्स पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो एट द पोल्स क्या लिखूंगा, जीरो बीवी, नहीं ऐसा लिखो, एट द पोल्स एंगल ऑफ डिप कितना है, 90 है, तो 90 है तो वहां पर डायरेक्ट कर दूंगा, बी एच क्या होता है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, थीटा कितना है, 90, कॉस 90 है जीरो, तो पोल्स पे बी एच जीरो होगा और बी देख लो, तो धरती पर सिर्फ दो ही जगह ऐसी होती है जहां पर, दो ही प्लेसेस ऐसी होती है जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एक एक कंपोनेंट होते हैं, यहां पर इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल है, वही टोटल के बराबर होगा, और ये रेस्ट ऑफ सारी जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट, देख लो इसको, तो फिर हम बोल सकते कि अगर एक जीरो हो गया तो स्ट्रेंथ कम होगी उसकी, स्ट्रेंथ तो हो सकता है वो पूरी स्ट्रेंथ हॉरिजॉन्टल में चली गई हो,
वो स्ट्रेंथ कितनी होती वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं आएगा एक्सेल एक्सपेक्टर के फॉर्मूला निकालना भी आएगा, बट अभी हमको पॉइंट ये बात करना है। तो धरती पर लगभग लगभग सारी जगह दोनों कंपोनेंट है, बट दो जगह पर एक ही ये असली पॉइंट है, इसको देखो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बट अभी भी और ध्यान सुनना, और ध्यान से, अभी भी ये हमने आइडियल केस लिया है। ये तो मैंने मैग्नेट कैसी गाड़ी है, जस्ट उल्टी गाड़ी है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो। अभी ये जो मैग्नेट गाड़ी है कैसी गाड़ी, जस्ट उल्टी गाड़ी, जस्ट उल्टी गाड़ी, मतलब दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल केस। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये आइडियल केस। अब सोचो अगर इस मैग्नेट को आड़ा कर दूंगा तो पूरा गेम बिखर जाएगा, सब आड़ी से हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल केस को कंसिडर नहीं करते, प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरेटिकल केस को ही कंसिडर करते हैं, प्रैक्टिकल को करते हैं बट कहाँ करते हैं वो बताऊंगा। इसको देखो, तो एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, कहीं भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, टोटल का कॉस थीटा, एंगल ऑफ डिप, टोटल का साइन थीटा, निकालो चार फॉर्मूले। अब सुनो ये एंगल ऑफ डिप को, ध्यान सुनना, ये एंगल ऑफ डिप को, एंगल ऑफ डिप भी दो होते हैं, एक होता है ट्रू एंगल ऑफ डिप, इसमें से नेटवर्क क्वेश्चन है ट्रू एंगल ऑफ डिप, और एक होता है अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप। अपीयरेंट मतलब जो झूठा है, जो लगे मतलब जो रियल नहीं है, और एक ट्रू है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप हम निकाल रहे हैं ये ट्रू है कि अपीयरेंट, अपीयरेंट खुद सोचो, अपीयरेंट अपीयरेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने मैग्नेट को कैसा गड़ा माना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि ये जो एंगल ऑफ डिप मिलता है, ये एंगल ऑफ डिप, दिस इज द एंगल ऑफ डिप, दिस इज द अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप, इसको आगे लिखते ना। तो अब एंगल ऑफ डिप भी दो हो गए, तो एंगल ऑफ डिप भी दो हो गए, अपीयरेंट और एक हो गया ट्रू, ट्रू डिप और अपीयरेंट डिप, ऐसा बोलते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये एंगल ऑफ डिप निकाला है, ये वाला, ये हमने क्या माना है, सुना ध्यान से, नहीं आइडियल सुना, ये हमने क्या माना है कि ये मैग्नेट कौन से मेरिडियन में गड़ी है, आइडियल केस हो गया ना, हाँ, कि ये मैग्नेट जो है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन में गड़ी है। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, और उसको गाड़ के हमने यहाँ क्या निकाला, एंगल ऑफ डिप निकाला, समझ लो, विचार कर लो पहले सब लोग, क्या बोल रहे हो, इस पे विचार कर लो सब लोग, समझ गए, अर्थ के दो केस, आइडियल प्रैक्टिकल। जब आइडियल केस माना तब इस मैग्नेट को ज्योग्राफिक मेरिडियन में गड़ा हुआ माना, और ये सब सोच के हम इधर ही सब पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अपीयरेंट डिप जो है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन में निकलता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ज्योग्राफिक मेरिडियन प्रोवाइडेड द अर्थ द प्रोवाइडेड द मैग्नेट provided the case is assumed to be ideal, yeah, ideal case मान के अगर dip angle निकालेंगे तो हमारा apparent angle निकलेगा। इसको देखो, समझ रहे? तो फिर true dip किस में निकलना चाहिए? तो true dip कब निकलेगा जब magnet ऐसी गड़ी होगी? ये north है, north का उल्टा south है, तो ये magnet का south होगा? नॉर्थ है साउथ होगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ मैग्नेट का क्या होगा? अभी जो मैग्नेट है ये कौन से मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा मेरिडियन था? तो इसका मतलब क्या, जो ट्रू डिप है वो ऑलवेज कैलकुलेटेड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, यही एक असर्शन रीजन का दमदार पॉइंट है। अब देखो ये बहुत गहरे पॉइंट है, आप किसी से पूछ लो 20 लाख में से कोई 2-5 हजार आदमी इसका मतलब पता, 10,000-20,000 होंगे 2%। ये पॉइंट पूछ लो कि द डिप एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, देन द डिप इज
तो ये मतलब जानना अच्छी बात है बहुत, नहीं तो लोगों को ये नहीं पता रहता कि मेरिडियन ही क्या। पहली बात तो फिर डिप एंगल कौन से मेरिडियन में पता करना, इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स है। वो एक्सपेरिमेंट जो स्कूल में एक डिप सर्कल होता है, वो डिप सर्कल समझ में नहीं आई कहानी, उधर हम लोग घुसने नहीं, अपन तो इधर बात करेंगे। बट इस पे से नीट में क्वेश्चन है, आजकल अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज में इन पे से क्वेश्चन डाल देते हैं, वो ट्रू एंगल और इसमें, तो पहले इन दोनों में फर्क पता कर लो। ये हमारा लॉजिकल तथ्य हो गया कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू डिप है, ज्योग्राफिक मेरिडियन में अपीयरेंट एरिया चलेगा। बट क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए एक और बात सुनो कि जरूरी नहीं है वो लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन को नाम लें, कुछ और प्लेन भी ले सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन अपने को ये लेना है, इससे कंक्लूजन हमको ये लेना है, सुनो, इससे कंक्लूजन हमको ये लेना है कि ट्रू डिप जो है वो ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन में निकलता है। ये तो जानते हो ट्रू डिप कब निकलेगा, जब मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके अलावा किसी भी प्लेन में निकल, इसके अलावा कोई भी प्लेन, मतलब क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन भी हो सकता है या कोई और प्लेन भी हो सकता है। तो ऐसा लिखूंगा कि अपीयरेंट डिप जो है अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी प्लेन में निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में निकाल रहे हैं तो वो अपीयरेंट डिप है, और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल रहे हैं तो वो ट्रू डिप है। इसमें विचार कर लो, जाते जाते पूरी कहानी का रिकॉल आप लोग सोच लो, समझ गए, यहाँ तक पहुंच गए। डिप एंगल सोच लो क्या होता है, मनी मन वो आंख बंद कर डायग्राम देखना चाहिए, ये निकला टेंजेंट, दो कंपोनेंट, डिप एंगल सोच लिया, इक्वेटर पे डिप एंगल सोच लो, इक्वेटर पे सिर्फ क्या होगा, बीएच होगा, बीएच होगा, बीवी सी होगा, इसका उल्टा पोल्स पे बीएच बीवी का फॉर्मूला सोच लो, ये डिप एंगल अर्थ को आइडियल मान के निकाला गया है, मतलब जो मैग्नेट है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो ये कौन सा डिप हो गया, जब इस मैग्नेट को आड़ा करके करेंगे। अब सवाल ये आ गया कि फिर ट्रू डिप और अपीयरेंट डिप में रिलेशन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है साला, ट्रू डिप और अपीयरेंट डिप में रिलेशन क्या होता है, यही मेन काम है। एंगल ऑफ डिफिनेशन जोड़ देंगे, नहीं, रिलेशन बिटवीन ट्रू डिप एंड अपीयरेंट डिप, इसके लिए अपने को थोड़ा भाई नेट के डायग्राम की मदद लेना पड़ेगी, वो लेते हैं। गूगल कहाँ से आएगा, ये देखो सर्च विद गूगल कल ही सर्च विद, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसको देखना अच्छे से, ये बंद है क्या, हाँ मुझे भी लग रहा है चालू है क्या, चालू है, तुम्हारा कौन सा है, बोलो कोविड 19 मैंने एक आदमी का पासवर्ड लिया था, बीच में मैं पान खाने गया, मेरा मोबाइल में सारा वो सिम पोर्ट हो गई, नेटवर्क चले गया, पैसे नहीं, मेरे भैया पैसे तो नहीं बोले, नहीं भैया पैसे तो लगेंगे, खोले तो ना हॉटस्पॉट वाले, हॉटस्पॉट का पासवर्ड अक्षत जाने दे, दो स्पेस मुझे लगता है, मैं कोई याद ही नहीं आ रहा, लेकिन मुझे का हॉटस्पॉट के पासवर्ड, और चलो कौन कौन सा है,
नहीं सबका था क्योंकि उसको बहुत यूनिक था. मैंने वैसा कभी सुना नहीं था. हंस रहे थे सुन के. कुछ यूनिक था वो. कौन कौन सा रागा डायग्राम ये बुक में डायग्राम बने कोई समझ में आते हैं क्या. खाते भी बर्नौली दी गए. वो जो ब्लू कलर का देखो डिप सर्कल होता है स्कूल में एक्सपेरिमेंट समझाते हैं. ये जो सर्कल बनता है डिप सर्कल स्कूल बुक में लिखा होगा. प्रैक्टिकल बुक में लिखा होगा. अबे प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं भाई. क्या वो बर्ड फ्लू प्रैक्टिकल इतनी मोटी मोटी थी हमको नहीं है भाई. मेरे को नहीं होती बड़ी लास्ट वाला वो कहाँ पे दिखी ना रोम.
मतलब मेहनत गलत कर रहे हैं, याद नहीं कर सकते फॉर्मूला। जब ना फेरा करे ऐसा किताब है। नहीं किताब से भी नहीं बनेगा, उसे ही उसको बनाना है कुछ ऐसे ही समझ जाएगी। ऐसे कर दो उसको जो मैं प्राइम मेरे लिए बहुत सारे सीधा डायग्राम लोग इस तरह उसमें हाथ ही डालते हैं। इधर नहीं दिखेगा ना, वो बात वो है ना, इधर दिखाना पड़ेगा। थ्री डी से दिखेगा वो उतारा ना आपको, यही दिखेगा। तुम लोगों को दो एंगल अलग अलग दिखाना पड़ेगा। देखो अभी ये डायग्राम बन गया ना अपना, कहाँ हो जाएगा क्या बोला कि जो ट्रू डिप है वो ट्रू डिप किस में निकल रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन में निकल रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई भी मेरिडियन कोई भी प्लेन में निकालेंगे तो अपीयरेंट होगा। ये तो याद कर लिया। फिर एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला, लेंथ थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। किसी भी प्लेन में एंगल ऑफ डिप निकालना है तो उस प्लेन में बीवी अपॉन उस प्लेन में बीएच चलेगा। हाँ। फिर दूसरा एंगल ऑफ डिप जो है वो हमारे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल एंगल है। अब देखो मैं दो अलग अलग प्लेन ले रहा, ये दो अलग अलग प्लेन एक संग बनाना तो साला वो मिक्स ही होगा, बहुत सारे एंगल हो जाएंगे तो मिक्स रहेगा। इसलिए मैंने दो अलग अलग प्लेन बना लिए। एक प्लेन मैंने ये बना लिया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब उसको देखो, वो जो अर्थ का मोटा वाला डायग्राम था ना उससे हटा के अब आगे बात करते हैं। वो तो हमने समझ लिया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, हमें पता है इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर एंगल ऑफ डिप निकालेंगे तो वो ट्रू डिप होगा, चलेगा। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में देखो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती वो गोल डायग्राम से कैसी होती, टेंजेंशियल बीच में। तो मान लो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किस प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन, चलेगा क्या? इसको अभी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मानो, इसको नॉर्मल अभी वर्टिकल मानो, चलेगा? हाँ। तो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ये क्या है? थीटा बने। इस एंगल को क्या बोलोगे? सुनो, क्या इस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोलोगे? एंगल ऑफ डिप तो बोलेंगे ना, क्यों एंगल ऑफ डिप बोलेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? और ये जो एंगल ऑफ डिप है ये कौन से प्लेन में निकल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन।
तो यही एंगल ऑफ डिप कौन सा होगा, मतलब यहाँ जो थीटा वन है ये ट्रू एंगल ऑफ डिप। ऐसे बी एच की वैल्यू लिख सकते हो, बीवी की वैल्यू, बी एच की वैल्यू कितनी होगी, बी कॉस थीटा वन और बीवी की बी कॉस चलेगा। तो ये मैंने ले लिया किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई भी प्लेन हो सकता है, ज्योग्राफिक भी हो सकता है, कोई और भी प्लेन हो सकता है। तो ये दूसरा प्लेन मैंने बनाया, देखो ये दूसरा प्लेन कोई सा भी हो सकता है, जीएम भी हो सकता है और अदर प्लेन भी हो सकता है। अब देखना इस दूसरे प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखो, किसी भी पॉइंट पे टोटल तो बीच में कहीं पे भी आती है, तो इस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑरेंज वाली लाइन देखना, ये तो ये ऑरेंज वाली लाइन क्या बता रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसमें, ज्योग्राफिक मेरिडियन में या फिर किसी और प्लेन में चलेगा। इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल थीटा टू, ये थीटा टू क्या नाम दो, विचार करो धीरे धीरे, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल ही क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, समझ रहे। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में था तो ट्रू डिप था, बट दूसरे प्लेन में है तो अपीयरेंट है, तो ये थीटा टू अपीयरेंट डिप है, कौन से प्लेन में, ज्योग्राफिक मेरिडियन में, किसी और प्लेन, ठीक है चलेगा। हाँ तो फिर से इस टोटल के दो कंपोनेंट क्या होंगे, बी एच होंगे, बीवी डैश, तो बी एच डैश लिख दिया और बीवी डैश डैश क्यों, अपीयरेंट प्लेन में और ये ट्रू प्लेन में, इन दोनों को हमने ऐसा मिला दिया, ये दोनों प्लेन को हमने ऐसा मिला दिया, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डायग्राम था उसमें जीएम और एएम ऐसे होते ना, एक प्लेन ऐसा था और एक प्लेन कैसा था, ऐसा था, तो दोनों प्लेन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो दोनों प्लेन इंटरसेक्शन कर रहे हैं ऐसा, ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो मेरे राइट हैंड पे जो प्लेन है इसको मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे मान लो इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन या कोई और प्लेन मान लो, तो इन दोनों प्लेन में मैंने एंगल ऑफ डिप लिखा है, तो इसमें एंगल ऑफ डिप ये लिखा और इसमें एंगल ऑफ डिप ये लिखा। देखो दोनों में एक कंपोनेंट कॉमन आएगा, ये वाली लाइन ये वाली लाइन दोनों प्लेन की क्या कॉमन है, तो देखो दोनों में कॉमन कंपोनेंट कौन सा है, बीवी और ये बीवी डैश है कॉमन है, तो यहाँ ऐसा लिख दूंगा क्या कि बीवी और बीवी डैश क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही, देखो बीएच अलग रहेगा, बीएच अलग है इसमें और इसमें बीएच अलग है, देखो तो बस एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीवी अपॉन बीएच, कोई भी प्लेन में निकालना तो बीवी अपॉन बीएच, तो ये जो ट्रू डिप निकालेंगे टेन थीटा वन ये क्या होगा, बीवी अपॉन बीएच, बोलो बीवी अपॉन बीएच होगा, ठीक है। और ये जो टेन थीटा टू निकालेंगे तो बीवी डैश अपॉन बीएच डैश, तो ऐसा लिख दूंगा टेन थीटा टू बराबर बीवी डैश अपॉन बीएच डैश, और क्या बीवी डैश और बीवी सेम ही होगा, क्या कर देते हैं ना, पहले इसको देख लो, तो ट्रू डिप ये हो गया बीवी अपॉन बीएच, अपीयरेंट डेप हो गया बीवी डैश अपॉन बीएच डैश, ये दोनों सेम क्यों देख लो, क्योंकि दोनों लाइन सेम है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, हां बीवी तो बीवी डैश है, सुनो एक मिनट, हां कर देते हैं वो बेटा, बराबर रुको ना, अपने को फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना है, एक मिनट वो तो कर देंगे अपन, मैं बीवी अब सुनो एक और मेन बात बची लास्ट, बीएच और बीएच डैश में रिलेशन देखना है, बीएच और बीएच डैश में रिलेशन देखना कैसा है, ये बीएच कौन से प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में, और ये बीएच डैश ज्योग्राफिक प्लेन, देखो इन दोनों प्लेन के बीच में तो कुछ एंगल है, 90 नहीं होगा, जरूर 90 नहीं, ऐसा देखो देखो ऐसा है, ऐसा प्लेन है वो, ये राइट हैंड वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है और लेफ्ट हैंड वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन है, दोनों का कौन सा कंपोनेंट कॉमन है, बीवी कॉमन है, तो एक मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला कौन सा होगा, बीएच, और ये वाला कौन सा होगा, बीएच डैश होगा। तो देखो बीएच और बीएच डैश में भी रिलेशन हो सकता है, तो इस एंगल को मान लो अल्फा, ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, बीएच और बीएच डैश के बीच का, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन का, क्या वो एंगल ऐसा दिखेगा, क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन,
डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन बोल रहे हैं कोई और एंगल भी हो सकता है क्या, ऐसा दिखेगा क्या वो एंगल? देखना देखना देखना, ये देख देखो ये एंगल होगा वो, देखो तो ये जो एंगल है ये किसके बीच है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, तो उसके लिए मैं एक फोटो लूंगा, इन फोटो को खराब नहीं करूंगा, देखो ऐसा लूंगा, सुनो इधर था बी एच, उधर देख लो, उधर था बी एच और इस आगे वाले प्लेन में ये जो था वो बी एच डैश था, तो वो ऐसा होगा बी एच डैश और दोनों के बीच का एंगल क्या था अल्फा, देखो ये चलेगा क्या, विचार कर लो एक बार सब लोग, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एच इधर थी, ज्योग्राफिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, ये MM और GM के बीच का एंगल है, तो BH के BH डैश के कंपोनेंट तोड़ दो, तो ये BH डैश का इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखाएगा, BH डैश को क्या लिख सकते हैं, BH cos अल्फा, देख लो ये जो BH डैश है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा के साथ वाला cos होता है ना, तो BH डैश का इधर तोड़ना, उधर BH डैश cos अल्फा, हां तो इसका तोड़ोगे तो कितना आएगा, BH डैश को ऐसे लिख सकते हैं क्या, BH cos अल्फा, उल्टा नहीं, उल्टा मत तोड़ो, ऐसा लिखो कि ये जो बी एच डैश है tan theta dash is equal to tan theta upon cos alpha बनता है ना, हाँ तो वो बी एच डैश is equal to बी एच cos alpha, तो इसका तोड़ो मतलब, सॉरी इसका तोड़ो, एरो एरो इधर, तो इसका तोड़ो कि बी एच का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा अल्फा किसके बराबर होगा, हमारे बी एच डैश के बराबर होगा, इसको मैं पटक दो, इसको मैं पटक दो, तो बी एच डैश को लिख दो कितना, बी एच कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, बीवी अपॉन बी एच, बीवी अपॉन बी एच क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो टेन थीटा टू इज इक्वल टू टेन थीटा वन। अब इसका डेरिवेशन इसलिए बताया क्योंकि डेरिवेशन पे सी नेट में क्वेश्चन था, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करा देता, अब फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करो, तो tan थीटा टू कौन सा एंगल था, थीटा टू कौन सा ट्रू था कि अपीयरेंट था, अपीयरेंट था, तो उसको ऐसा पढ़ेंगे tan ऑफ अपीयरेंट, उसको ऐसा पढ़ना क्या, थीटा को जोड़ा तो नहीं, टेन ऑफ व्हाट, तो अपीयरेंट डिप का जो टेन थीटा होता है इज इक्वल टू टेन थीटा वन क्या था, टेन ऑफ ट्रू डिप अपॉन कॉस अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, जिन दो प्लेन में निकाल रहे हैं, एक प्लेन में ट्रू डिप निकाल रहे हैं, एक में अपीयरेंट निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा, तो अल्फा को बोलना एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन एमएम एंड जीएम, इस रिलेशन को ऐसे याद कर लो, इसको देखो जरा विचार करना अच्छे से, एक बार देखो इसको जरा शांति से, मंथन करने का समय आ गया है, इससे आपको समझ में आएगा दो डायग्राम से, अब वो डायग्राम दिखाऊं आपको, अब डायग्राम समझ में आ जाएगा, वो पहले तो दिक्कत थी, अब वो डायग्राम देखो, उसने मैग्नेटिक मेरिडियन को आगे पीछे ले लिया होगा, अब उस पर तब उसने मत, एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक प्लेन आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, दोनों में उसने अलग, अब देखो ये डायग्राम मेरा समझ नहीं आता, पीछे वाला दिख रहा है क्या, इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप दिख रहा है क्या, वो दिखाई नहीं पाते हम 3D में, तीन एंगल, इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया, तो ये एक रेफरेंस के लिए सिर्फ पॉइंट है, एक आगे वाले प्लेन को मैंने अलग बना दिया, पीछे वाले प्लेन को मैंने अलग बना दिया, दोनों प्लेन में मैंने एंगल ऑफ डिप लिख दिए, दोनों में बीवी कॉमन है और दोनों प्लेन में जो बी एच है वो अलग अलग है, तो दोनों प्लेन में बी एच को मैंने क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया, ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग रफ में बना लो, ये डायग्राम देख लो एक बार और अच्छे से,
दो प्लेन आपने मन से बनाना, सुनो एक काम करो उल्टा बना लो, आप कोई रटने वाली बात नहीं, ये आगे वाले को क्या बना लो मैग्नेटिक मेरिडियन बना लो, और पीछे वाले को क्या बना लो ज्योग्राफिक मेरिडियन बना लो, चलेगा? दोनों में एंगल ऑफ डिप लिख दो एक एक बार, और दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीएस को कोरिलेट करके डिवाइड कर देना, फिर उसके बाद हम इसको याद कर लेंगे, और इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताऊंगा। बनाओ बिना देखे एक बार जरा रफ में। अब आगे वाले को क्या बनाना, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओ, मतलब बना लो कॉपी हो तो, आगे वाले को मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओ और पीछे वाले को ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाओ। पीछे वाले को क्या बनाया, ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाया पीछे वाले को, इसको बनाया ज्योग्राफिक मेरिडियन ना, इसके सामने वाले आगे वाला जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको समझ में आया बनाते कैसे और बीएचबीवी है क्या क्या, इसको लेना है तब इसमें जो एंगल लोगे वो कौन सा होगा, पीरियड होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल से एंगल उसको जो भी नाम दो, थीटा वन थीटा टू से कोई फर्क नहीं, थीटा वन नाम ले लो, ये कौन सा हो गया अपीयरेंट टिप हो गया, इस प्लेन में जो बीएच है वो ये होगा और इस प्लेन में जो बीबी है वो ये होगा, अब मैग्नेटिक मेरिडियन निकालेगा ट्रू टिप होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा टू ये कौन सा होगा ट्रू टिप, उसका ये कंपोनेंट क्या होगा बीएच डैश, और ये कंपोनेंट क्या होगा बीबी, दोनों का बीबी तो कॉमन होगा, चलेगा बना लो ऐसे बनाने समझ में आ क्या होगा, अब लिख लिया तो ये वाला डिप कौन सा है ट्रू है कि अपीयरेंट है, अपीयरेंट है, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं एंगल ऑफ डिप का, tan theta 1 is equal to bb upon bh, ये कौन सा हो गया अपीयरेंट डिप, डिप ये ट्रू डिप है तो tan theta 2 bb तो सेम है बट क्या होगा bh डैश, चलेगा? बस अब इन दोनों प्लेन के बीच एंगल कितना है अल्फा है, उसको अल्फा लिख दो, कंपोनेंट तोड़ दोगे, BH डैश को क्या लिख दोगे BH cos अल्फा, अब BV upon BH क्या बन जाएगा ये वाला, तो tan theta 2 कितना आ जाएगा tan theta 1 upon कितना cos अल्फा, देखो वही बंदा क्या theta 2 कौन सा एंगल था true dip, तो यहाँ से भी वही बना कि true dip is equal to कितना apparent dip upon कितना cos अल्फा, देखो वहां से भी वही बना था कि ये कितना था हमारा ट्रू डिप था ना, तो बी एच इसको क्या लिख देंगे हम लोग ये, हाँ तो इसको लिख देंगे कितना बी एच डैश कॉस अल्फा, तो वही बन जाएगा उसको, बट इसको याद कर लो, इसको याद कर लो ये वाले को, क्यों भाई कहेगा भाई
क्यों ले जाने अच्छा ले जाने में बाद में थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते 5-10 मिनट जब 10 किया तो 10 और जोड़ो 10 तुम्हारा 10 मेरा है इसको याद करो सब लोग tan of apparent dip is equal to tan of true dip upon ये एक बार यार बुक में देख लो क्या फॉर्मूला है बुक पढ़ी कोई मॉड्यूल है मॉड्यूल खोलना इलेक्ट्रो एक बार मॉड्यूल देख लो एक बार उल्टा तो नहीं वैसे तो सही है यहाँ तक मुझे 99% याद है मॉड्यूल में देख लो 2 मिनट में दिख जाएगा किसमें सर कौन सी ट्रू डिप और अपीयरेंट डिप गूगल सर्च कर लो रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड अपीयरेंट डिप तो ऐसा तो नहीं अपन कंपोनेंट उल्टा तोड़ दिए बस क्या ये ट्रू अपॉन कॉस अल्फा ही होता है गूगल कर लो 2 मिनट में बोलिया मॉड्यूल में पहुंच गए कितनी मक्कार रुचि नहीं है ना देना जब तू अपने देख मेरे में नजर लगा रहा है मेरे मार्क्स तो कम है यार नजर लगाते हैं अच्छी बात पे नजर अच्छी बात पे नजर ऐसे मैं कह रहा हूँ ये तो रखती ऐसा वाला मत है मॉडल दिखा दो हाँ सही है तो साय भाई लिया है सर ये वाली की बात है हाँ ये वाले की बात कर रहा हूँ tan theta a is equal to tan theta upon cos alpha ना theta ये क्या था apparent dip है theta a जो है apparent dip है हाँ सही formula है ये लो इसको ठीक है बस अब इसको आप लोग याद कर लो तो उसको याद ऐसे करना tan of apparent dip is equal to tan of true dip upon क्या cos alpha अब इसमें से एक question करोगे तो आप मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी question कैसा देखो नीट का question पूछा था मॉडल खोला ना ये डिप से अभी डिप सर्कल देखो ऐसे रहता है डिप सर्कल एंगल ऑफ डिप ऐसा एक्सपेरिमेंट है पूरा एक उनकी बच्चा है उसको सोचने में कुछ अलग चैप्टर है जब उसको 2 दिन अभी और पढ़ाऊंगा खत्म करता देखिए कुछ ऐसा लगेगा कि यार कुछ अलग बात है भाई ये तो हम लोग सोच ही नहीं थे यार ऐसी कहानी भी हो सकती थी 2 दिन बाद आएंगे ना ये लोग अगले हफ्ते से आने इसका मतलब बाहर जाएंगे बेचारे गरीब लोग अब तुम लोग कल इस पे मत आ जाना कि सर अंदर ही बिठा लो राघव भाई अगले हफ्ते से पता चले भाई लोग आ गए कल के सर अंदर ही बिठा लो अब आज तो हो गया बाहर खड़े रहना ठीक है हाँ 2 बार लिया ना पर खड़े बाहर ही रहना बस दिन में 6 बार नहीं होगा दिन में 3 ही बार कर पाते मैक्सिमम लो इसको 68 वाला भेजने ग्रुप पे लिमिट इज 16 अगर मैं 10 बार ऐसे लेस 10 बार दिन में नहीं हो पाता 1 बार 3 ही बार हो सकता है 1 बार अच्छा 10 बार करके लागो जो तुम बोलो वो 10 बार अगर तुमने कर दिया क्या रुक 10 बार कर सकता है अक्षत 10 बार 1 बार एक बार तो कर ले एक दो बार जी यार एक दो बार कर सकता है 3 बार भी कर सकता है 10 बार कर सकता है सिर्फ 2 सवाल कर लेते हैं बाकी पूरा पेपर सही है मेरे स्टार्टिंग के 50% एक ही का बताओ 10 बार कर सकता है मैं तो देखो सर मेरी लिमिट 16 बार है तो तब देखा ही होमवर्क करने की बात कर रहा मैं मेरा लिमिट 16 है तुम्हें स्टॉप करना है मैंने एक बार साथ में होमवर्क तागो की कैपेसिटी कितनी है आधा दस बार तुमने अगर कर दिया ना अक्षत जो तुम बोलोगे वो करूंगा मैंने लॉकडाउन में एक बार ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना तब 7 बार एक क्वेश्चन को साथ अरे क्या बोल रहे थे समझ नहीं रही मतलब ऑनलाइन में बहुत तेज है बेटा इसके चल सका तो पता चल जाता है
बेटा किसी और को देखो 68 वाला क्वेश्चन ही नेट का क्वेश्चन था ना। मैडम फोन लगा लिए। हाँ मैडम हेलो बोलिए ना। हाँ छोड़ दो ना, 5 मिनट तो दोगे ना मैडम? 5 मिनट तो देना पड़ेगा ना। 5 मिनट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हो अगर आपको। 5 मिनट लूंगा बस, 2 मिनट सुनो। क्वेश्चन देखो 68 वाला क्वेश्चन देखना एक बार, क्या फटाफट सुनो। इफ थीटा वन एंड थीटा टू, सुनो इस क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आएगा। इफ थीटा वन एंड थीटा टू बी द अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप। देखो ये क्वेश्चन नीट में आ गए 2017 में, ये कहानी नहीं थी क्या, फॉर्मूले कुछ होते भी हैं। थीटा वन थीटा टू दोनों कौन से एंगल है? अपीयरेंट डिप है मतलब कौन से प्लेन में नहीं है, कोई और प्लेन में। तो प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो दो प्लेन में अपीयरेंट एंगल दिए थीटा वन और थीटा टू, दीज आर द अपीयरेंट डिप। चलेगा? कौन से दो प्लेन में? थीटा वन थीटा टू विद द अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब दो दो कोई से भी प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और कैसे हैं, राइट एंगल है। हाँ, उन दोनों में जो डिप एंगल है वो क्या है? थीटा वन और थीटा टू है। चलेगा? देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाय। देखो कैसे है, तो अब यहाँ पे तीन प्लेन है, तीन प्लेन देखो कैसे, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, और तीसरा प्लेन देखो ऐसे। अब वो ऐसा दिखेगा, देखना जरा, वो कोने से आएगा सर, तीन पार्ट में। हाँ वो ऐसा देखो, ऐसा। तो देखो जो राइट हैंड पे ये कोई दूसरा प्लेन है, ये जो लेफ्ट हैंड पे ये भी कोई दूसरा प्लेन है। इस राइट वाले में जो अपीयरेंट डिप है थीटा वन मान लो, इस लेफ्ट वाले में जो अपीयरेंट डिप है वो थीटा टू मान लो, और इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, इन दोनों के ये राइट परपेंडिकुलर है ना ऐसा, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई सा एंगल, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन को एज्यूम कर लो, तो वो तीन प्लेन ऐसे दिखेंगे, सामने से एक ऐसा, और इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो इस वाले में जो डिप एंगल है वो थीटा वन है, इस वाले में जो डिप एंगल है वो थीटा टू है, और ये एमएम है ना, तो इसमें कौन सा डिप होगा? ट्रू डिप। ट्रू डिप कितना दिया? थीटा दिया। तो बस हमें हमें फॉर्मूला क्या पता है? उन दोनों के बीच का एंगल है, ट्रू और अपीयरेंट डिप के बीच का एंगल है। सुनो, तो एक बार पहले इसको मिटा दो, क्या इन दोनों में रिलेशन लिख सकता हूँ? थीटा वन और थीटा में लिख सकते हैं। कैसे? थीटा वन थीटा में अपीयरेंट डिप कौन सा है? तो यहाँ रिलेशन लिखने कितना आएगा? टेन ऑफ अपीयरेंट डिप ट्रू डिप कॉस अल्फा, ये पहला लिख दिया मैंने इस अपीयरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच में। चलेगा? अब इसको मिटा दो। अब मेन बात क्या, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, दोनों कौन से वाले? हाँ बस, दूसरा प्लेन कौन सा? ये वाला है। तो ये भी अदर प्लेन है, इसमें डिप अपीयरेंट कौन सा है? थीटा टू है। चलेगा क्या? तो अगर इस एंगल को हमने अल्फा माना था तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अब इसको भूल जाओ, इसका काम तो हो गया ना। मेन बात क्या है, अपीयरेंट और ट्रू डिप में एंगल लिखना। एक डिप आपका ट्रू होगा तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, और दूसरा किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो एक बार मैंने किस प्लेन में लिख दिया? इस प्लेन में और इस प्लेन में। और एक बार इस प्लेन में और इस प्लेन में। तो इस प्लेन में लिखोगे तो फिर से क्या जाएगा? टेन ऑफ अपीयरेंट डिप मतलब कितना? दूसरे प्लेन में अल्फा लिया था, वो तो एक प्लेन में था, अगर उसका दूसरा साइड वाला लेते कंपोनेंट, अपन साइन वाला कंपोनेंट छोड़ दो, हटा दो वो डेरिवेशन वाला पार्ट का, अब सीधा फॉर्मूला यूज करें। टेन ऑफ अपीयरेंट डिप इज इक्वल टू टेन ऑफ ट्रू डिप अपॉन उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल। और विजुलाइज कर पा रहे हो क्या ये दोनों प्लेन को? तो एक प्लेन ये है जिसमें अपीयरेंट डिप थीटा वन है, एक प्लेन ये जिसमें अपीयरेंट डिप थीटा टू है। क्वेश्चन में दिया ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तीसरा प्लेन इन दोनों के बीच में बनना पड़ेगा, तो तीसरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन इन दोनों के बीच में, ये जो हाथ दिख रहा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस प्लेन में ट्रू डिप होगा
और इसमें अपीयरेंट डिप होगा, दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा मान लो ये कितना होगा 90, तो एक बार मैं इसमें और इसमें लगा रहा हूं तो tan ऑफ अपीयरेंट इज इक्वल टू tan ऑफ ट्रू अपॉन cos अल्फा, और एक बार इसमें लगा रहा हूं tan ऑफ अपीयरेंट इज इक्वल टू tan ऑफ ट्रू अपॉन cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा sin अल्फा, तो इसको लिख दो अपॉन sin अल्फा, बस रिलेशन साइन और कॉस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर कहीं भी साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो बस जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे फटाफट देखना तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी टेन थीटा अपॉन टेन थीटा टू, उसका स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2, cos अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपॉन tan थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, इन दोनों से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों से कॉमन निकाल लो देखो, जिस साल ही क्वेश्चन आए होंगे बहुत कम लोग, जो अच्छे अच्छे लोग भी 170-160 वाले सब अटक गए होंगे यहाँ पे, मुझे लगता है हार्डली कोई 1,000-2,000-10,000 बच्चे होंगे जिन्होंने सॉल्व मारा होगा, पहली बात तो आइडिया ही नहीं डिप एंगल क्या होता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, अगर पढ़ोगे हाथों का लगी तो अलग बात है, बट पढ़ोगे तो एग्जाम में इतना बनाना मुझे नहीं लगता इतना आसान का, वह इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड लाना, तो ये हमारा असली खेल था, इसको आप लोग देख लेना ठीक है, ये चैप्टर का आधा पार्ट था।